मैं गंगाराम झुंडाओं का सरपंच हूँ। जंगली जानवर आकर हमारी सारी फसलें नष्ट कर दे रहे हैं। यहाँ हमारे गांव के लोग भुखमरी से मरे जा रहे हैं। जी, सरकार ने हम गरीबों के लिए कोई स्कीम निकाली है, आप हमें दे दो। स्कीम जो है कोई भंडारे का प्रसाद है कि हाथ में लिया, आपके हाथ में धर दिया और बोला जय माता दी। टाइगर रिजर्व के आस पास कोई व्यक्ति बाघ का शिकार हो गया तो सरकार उसको 10 लाख रुपए देगी। कौन ऐसा आदमी है जो खुदकुशी करेगा तैयार है? तुम हो आदमी, तुम। नहीं नहीं, हमारा तो नवा नवा ब्याह हुआ है ना। हम जाएंगे। तुम्हें कहीं नहीं जाना है, सबका ठेका लिया होगा। हमारे बाप दादा बताए हैं कि भगत सिंह 30 साल की उम्र में बलिदान दे दिए और 46 साल का गंगाराम बलिदान नहीं दे सकता है। भगत सिंह 2 बच्चों के बाप थे का? ए? हम 200 बच्चों के बाप हैं। सत्यानाश। शिकार को ढूंढ निकालना पड़ेगा। यहाँ क्या कर रहे हैं जंगल में? दरअसल हम पोचर हैं। पोच पाच के जानवर को जंगल में रख सरकार ने कर्मचारी लगा दिया। कब गया था वो जंगल में? 9 दिन हो गया साहब। पुलिस ने आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि आप बाघ मारने जंगल गए थे। हम बाघ को मारने अंदर नहीं गए थे जंगल, हम तो बाघ से खुद का शिकार करवाने गए थे। खुद को बहुत बड़ा शिकारी समझता है साला, इस बार किस्सा ही खत्म कर देना। गंगाराम की इस कहानी को एक छोटे से पत्रकार ने खबर बना दिया। खबर अनोखी थी, आग की तरह फैल गई, सोशल मीडिया शेयर हो गए। #justiceforgangaram #sharedilgangaram ट्रेंड करने लगे। तू शेर है तो मैं भी शेर दिल हूं।